क्या आपके शरीर में भी खून की कमी है? अगर हाँ तो आपको भी जरूर खानी चाहिए ये तीन चीजें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में खून नहीं बन पाता। आप लोग जानते हैं कि खून बनने का क्या कारण होता है? हम आपको बताते हैं कि खून न बनने का सबसे बड़ा कारण है हम खुद, क्योंकि हम खुद अपना ध्यान नहीं रखते। जब हम अच्छी चीजें नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में खून कहाँ से बनेगा, पर जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आप अगर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुकंदर हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पर आप लोगों को बता दें कि चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो हमारे शरीर में जाते ही खून बनाने लग जाती है। अगर आप रोज सुबह उठकर चुकंदर का जूस पीते हैं तो आपको कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। हम सभी अंजीर के बारे में जानते हैं कि अंजीर एक तरह का ड्राई फ्रूट ही होती है, पर आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि अंजीर का सेवन करने से हमारे शरीर में खून बनता है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अंजीर का सेवन करने से हमारे शरीर में खून कैसे बनेगा, तो आपको बता दें कि अंजीर में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में खून बनाने में हमारी मदद करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अंजीर को रात में भिगोकर सुबह इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में खून तेजी से बनने लगेगा, ये हमारा वादा है। आप सभी जानते हैं कि मुनक्का भी एक प्रकार का ड्राई फ्रूट ही होता है, पर आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मुनक्के का सेवन करने से हमारे शरीर में खून बनता है। जी हाँ, ये सच है कि मुनक्के का सेवन करने से हमारे शरीर में खून बढ़ता है। अगर आप रोज सुबह 10 से 12 मुनक्का खाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा।